हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज कटिंग करके दिखाएंगे आपको। इसके लिए हमने ये नाप लिया है और चलिए हम नापने के लिए हम सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे ब्लाउज की, जो नाप है उसकी। तो इसकी लेंथ हमें 13 इंच है, आप देख सकते हैं 13 इंच। और फिर इसके बाद हम ये जो बटन वाला साइड है इसका ऐसे नापेंगे, ये है 10 इंच है, देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम काटते हैं। पहले हमने ये कपड़ा को डबल फोल्ड में कर लिया है, आप देख सकते हैं 10 इंच था तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 11 इंच कपड़ा है। और इसको हमने डबल फोल्ड में करके रख लिया है और इसको हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से लंबाई लेंगे, हमारा 13 इंच था तो हमें सिलाई में जाएगा तो हम ले लेंगे 15, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच ले लेते हैं हम, देख सकते हैं। इसको सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, 6 इंच शोल्डर लेंगे हम। निशान लगा दिया है मैंने और यहाँ से भी 6 इंच लेंगे ये, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे डॉट डॉट से। फिर ये बैक वाला है, अरे एक मिनट, इसको हम गोलाई दे देंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच का गोलाई देते हुए ऐसे इसमें मिला देंगे और फिर हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमने काट के अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको हम इसे कपड़े के ऊपर रख लेंगे और जो हमारा है उसको इसके ऊपर ही काट लेंगे। ये हमने काट लिया है और इसको हम, ये आगे वाला है तो इसको हम 1/2 इंच गोलाई और दे देंगे, इसको हम 1/2 इंच और गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा ऐसे गोलाई दे देंगे तो इसको भी हम काट लेते हैं। ये हमने काट के कंप्लीट कर लिया है और हम इसका गला काटेंगे। गले के लिए हमें 2.5 इंच चाहिए, ये डबल फोल्ड है और इसे हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमारा आगे वाला है इसलिए हमें ये लंबाई 6 इंच लेनी है, 6 इंच लंबाई, और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे, इस लाइन को सीधा कर लेंगे और फिर हम इसको भी गोलाई दे देंगे, गोलाई दे देंगे और फिर हम इसको काट लेंगे। स्टार्ट करो। ये हमने काट के निकाल लिया है और फिर हम जो पीछे वाला है उसको भी काट के निकाल लेंगे, इसको भी हम
अढ़ाई इंच रखेंगे और फिर हम जो नाप है जितना हमें चाहिए गला उसके हिसाब से नाप कर और गला काट लेंगे का है 11 इंच। तो हमें यहाँ से 11 इंच पे लगा देना है निशान और फिर नीचे से थोड़ा फैला हुआ गला रहेगा इसलिए हम 3 इंच लेंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे और इसको भी गोलाई दे देंगे फिर इसको काट लेते हैं। ये हमने काट के निकाल लिया है और यहाँ से आप नाप के जो ये पीछे वाला टैकिंग होता है यहाँ से 2-3 इंच पे हम ऐसे निशान लगा कर और इधर भी 2-3 इंच निशान लगा के हम इसको पीछे का टैकिंग लगाएंगे और इसको रख लेते हैं और आगे का टैकिंग इसमें लगा के दिखाते हैं आपको। यहाँ से ऐसे ऐसे गोल बना दे और फिर इस एक यहाँ से रहेगा और एक बाजू वाले साइड और एक नीचे और एक इधर के साइड 4 टैकिंग लगेंगे आप देख सकते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है और इसको हम बीच से खोल देंगे कट कर लेते हैं। ये हमने काट लिया है और फिर ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है इस पे हम बाजू बनाएंगे तो हमें इसे फोल्ड कर लेना है और फिर एक और बार कर लेना है ताकि दोनों बाजू इसमें से निकल जाए और बाजू की हम लंबाई नाप लेते हैं कितनी है 3 इंच है 3 इंच इसकी लंबाई है और इसका लंबाई हमें 8 या 8.5 लेना चाहिए। जो लोग थोड़ा हेल्थी हैं उसको 9 इंच भी ले सकते हैं तो हम ये लंबाई ये बंद वाला साइड वाला रहेगा तो हम 4 या 4.5 इंच लंबाई ले लेना है 3 इंच था तो और इधर से 2 इंच ले लेंगे फिर ऐसे गुलाई दे देंगे इसको ऐसे फिर इसको हम ऐसे कर देंगे फिर इसको हम काट लेंगे। ये हमने काट के निकाल लिया है और फिर हम इसको अगले वीडियो में हम इसको सिल के दिखाएंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। अगर आप भी सिलाई से जुड़ी हर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें।